उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के जिलाधिकारी को रुद्राक्ष की माला और काशी विश्वनाथ जी का स्मृति चिन्ह देकर संस्कृत भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। यह सम्मान जिलाधिकारी को एक महीने पहले अपने कोर्ट के आदेश को संस्कृत में देने के लिए दिया गया था। बता दें, हमीरपुर जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर चंद्रभूषण त्रिपाठी की कोर्ट में रात कोठाली क्षेत्र के गिरवर गांव निवासी अनुसूचित जाति के किसान संतोष कुमार ने एक वाद दाखिल किया था। बता दें, जिसमें ये अपनी जमीन किसी अन्य गांव के लोगों को बेचना चाह रहे थे। किसान संतोष कुमार पर सरकारी कर्ज था और पैसे के अभाव में वो अपनी बीमारी का इलाज भी नहीं करवा पा रहे थे। पूरे मामले को लेकर जिला मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने परमिशन लेने के बाद ये दाखिला किया। जिला मजिस्ट्रेट ने पूरे मामले की जांच SDM राठ से करवाने के बाद उसे जमीन बेचने की परमिशन दे दी। जब उसका आदेश सुनाया तो वहां मौजूद लोग जो है सन्न रह गए, क्योंकि वो पूरा आदेश संस्कृत भाषा में था। हमीरपुर जिले पहुंचे श्री काशी विद्वत परिसर में महामंत्री प्रोफेसर राम नारायण द्विवेदी ने जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रभूषण को प्रधानमंत्री की मौजूदगी में होने वाले परिषद के वार्षिक कार्यक्रम में सम्मानित किए जाने के लिए आमंत्रण भी उनको दिया। और इस प्रकार के कार्य अन्य जनपदों के अधिकारियों ने यदि किया तो से संस्कृत भाषा को प्रोत्साहन मिलेगा। गौरतलब है कि श्री काशी विद्वत परिषद 400 वर्ष पुरानी संस्था है। इसमें राज्य के उच्च स्तरीय विद्वान शामिल रहते हैं। हमीरपुर जनपद के जिलाधिकारी महोदय ने विगत माह पहले एक शासकीय निर्णय जो दिया, उन्होंने संस्कृत भाषा में दिया, और संस्कृत भाषा देव भाषा है और हमारे इस राष्ट्र की ही नहीं विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषा है। उस प्राचीनतम भाषा में एक शासकीय व्यक्ति के द्वारा, एक जिलाधिकारी के द्वारा नीतिगत निर्णय दिए जाना, ये हमारे राष्ट्र के लिए गौरव की बात है।